जय जगन्नाथ आपनको मोर यूट्यूब चैनल को समस्त स्वागत। आज मु गोल्ड फिश रो वैरायटी आ तार डिजीज विषय कह जाउ छी आ आपन देखन बाबू हम ओडिशा रे हो कि हम इंडिया रे या साउथ एशिया रे सब हाईएस्ट सेलिंग फिश जोटा ऑर्नामेंटल फिश या इंडोर एक्वेरियम फिश सेटा ला गोल्ड फिश वैरायटी आउ गोल्ड फिश सब हाईएस्ट सेल थाए समस्त फास्ट गोल्ड फिश को रखे चाहन दी कारण गोल्ड फिश रखले घर पई भी शुभ आउ गोल्ड फिश पाए तो चारटा रंग अवेलेबल थांती गोटे आपन को ऑरेंज कलर गोटे रेड कलर ब्लैक कलर आउ आपन को व्हाइट कलर आसंती। नॉर्मल सेलिंग गोल्ड फिश रे सुबांकी हैला गोल्ड फिश हैला टेलीस्कोप हैला ब्लैक गोल्ड हैला तो ये माने नॉर्मली प्राय सब एक्वेरियम शॉप रे अवेलेबल थांती तारा ओरिंडा वैरायटी भी अच्छी बहुत वैरायटी रहूची तारा किंतु नॉर्मल सेलिंग रे ये सब गोल्ड फिश रहूची। गोल्ड फिश समस्त नहीं जानती इंडोर एक्वेरियम रखिया पे किंतु तारा केयर आ तारा डीजे जानी पारंतनी से जो गोल्ड फिश बहुत मरी जानती तांको फीडिंग ऊपर हो कि तांकरो वाटर रो क्वालिटी विषय रे हो कि तांको डीजे जानिया विषय रे हो सेटा परखिवा निहाती दरकार कारण से न जानी पाले गोल्ड फिश बहुत दिन सर्वाइव करि पारंतनी आउ रेकर्ड भी अच्छी इंडोर एक्वेरियम रे हाईएस्ट टू हाईएस्ट 11 इंच गोल्ड फिश रेकर्ड करा जाय छी साइज हिसाब रे ताना गोल्डी। गोल्ड फिश रो मेन हिस्ट्री आउ तार ओरिजिन होची चाइना और जापानीज लोक निज घर पॉन्ड रे या घर इंडोर एक्वेरियम रे सब गोल्ड फिश को आउ कोई क्राफ को रखंदे आज लक हिसाब रे तांकर बहुत पूर्वरु तो मैरेज रे भी थिला कि जे नुआ मैरेज करथला तांकु गोल्ड फिश आज गिफ्ट हिसाब रे दिया होदला। चलो जानिबा गोल्ड फिश रो डिजीज विषय रे। गोल्ड फिश नॉर्मल डिजीज ला पैरासाइट बैक्टीरिया फंगस और कॉमन डिजीज जे जेतो देखिबे गोल्ड फिश प्रॉपर स्विम करनी कि फीडिंग खाउनी कि ठीक से स्ट्रेस रे रहउची तो जानिबे तांकु पैरासाइट या बैक्टीरिया अटैक करिछ तांकु कोन करियो प्रथमे सेपरेट कर देबे अलगा टैंक को मेडिसिन पकेबे हैला मेडिसिन आपण रहउची बैक्टोनिल रहउची सबटु बेस्ट रिडल आपण यूज करि पारंती तांकु सेपरेट कला परे तांकु सेपरेट न कले कोन असुविधा होबे कि जदी से सेही टैंक रे रहिबे देन तांकु अदर फिश भी बहुत जल्दी डिजीज स्प्रेड करि पारे तो से माने भी तांकु इफेक्ट कर परि पारे से माने भी डेथ कहि जीवो तांकर तो सेही जगु सेपरेट करिया निहाती दरकार। सेपरेट कला परे तांकु ट्रीटमेंट करिया आवश्यक रहउची ट्रीटमेंट न कले भी से बहुत शीघ्र मरि जांदे। चलो जानते व्हाइट स्पॉट विषय व्हाइट स्पॉट होची आपण देखिबे फिश मानकर सब व्हाइट व्हाइट रो स्पॉट हे जेतो तांग बॉडी उपरे से प्रॉपर स्विम को नथवे तळे बसि रहउथवे आ पूरा स्ट्रेस रहउथवे तांग कलर भी आगोबले देखा जाउ नथवो तो जानिबो ए सब व्हाइट स्पॉट होबर मेन रीजन है लो टेंपरेचर कि नुआ फिश आपण टैंक रे ऐड करले तो आपण जे जानि परिबे ए दिटा जिंस रे खास कर व्हाइट स्पॉट बेसी जल्दी स्प्रेड करे ता ट्रीटमेंट होची आपण वाटर रे आपण एक्वेरियम रे सॉल्ट पकेबे हीटर रे यूज करिवे आउ 30% पर डे आपण पानी चेंज करिवे। आपण जानिबा फ्लोटा डिजीज कोन फ्लोटा डिजीज कोले देखिबे माछ बंकाई पहरतो उल्टी पहरतो राउंड राउंड बुली पहरतो ठीक से स्विम कर नथबो से इटा होचे ए डिजीज मिनिमम कोले एतरे हुए ओवर फीडिंग रे हो लो क्वालिटी फीड जमी आप मार्केट बहुत डुप्लिकेट माल मिलूँ भल भल ब्रांड भी डुप्लिकेट माल मिलू आदि खाया देते तो से हम से प्रॉपर स्विम करेन ओवर फिड हेले भी अधिया खाया देदे भी पेट फुल बंकाई बुलवे आप आपड़ कौन करेंगे तीन दिन जाए पूरा फिडिंग बंद करदे अलग रखिए आ 50% पानी चेंज करेंगे जदि आप खाया देखते हैं आप ग्रीन मटर ताक आप मैश करके जल्दी रिकवरी से करते ठीक अच्छे जदि क्योर ना तो आप बैक्टोनिल और रिडल अप्लाय करेंगे बैक्टोनिल आप के पानी अच्छे से हिसाब से तीन फुट गोटे ठीक से हिसाब से आपपारे चलो जानवा रेड टेल रॉड डिजीज कौन आसन जानवा फंगस विषय जोटा कहते इंटरनल पारासाइट पारासाइट ये सब डिजीज हेले कौन हुए मेन है एक्वेरियम लो टेम्परेचर जो टेम्परेचर मिनिमम रोहे 26-28-30 जाए से टेम्परेचर कम हेले यही प्रोब्लेमटा देखा जाए इंटरनल पारासाइट या फंगस ए देखिए माछ पर फंगस जमी गला भाई देखिए फंगस लगे आप जानी देखने मात्र एथेर भी नॉर्मल सेम ट्रीटमेंट आपको सेपरेट रखिए आउे आप ब्लू लिक्विड यूज करेंगे है ब्लू लिक्विड यूज कले आपड़ जल्दी रिकवरी हुए आपने मो सब वीडियो को
କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମୋତେ ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ଇଜି ହେବ, ଆପଣ ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।